हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ 12 to 15 ईयर्स गर्ल्स के लिए। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये मैंने 2 मीटर लिया हुआ है, और ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है, ये भी मैंने 2 मीटर ही लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइनिंग की फैब्रिक में हम अपने अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये अपनी फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और वन साइड को अपनी तरफ रखा हुआ है। अब ऊपर से हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो वो मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे, वो भी मैं 7 इंच पे ही मार्क करूँगी। और अब इन दोनों मार्क को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है, उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच और प्लस कर लीजिए सीम अलाउंस के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। सिलाई मार्जिन को लेते हुए 10 इंच पे मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है और अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी हमने अपना चेस्ट का मेज़रमेंट लिया है, उससे 1 इंच कम नीचे की तरफ यहाँ पे हम अपनी वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने 9 इंच पर किया है। और अब ये दोनों जो पॉइंट है हमारा, जो दोनों पॉइंट हमने ड्रॉ किया है, उसे इस तरीके से स्केल की हेल्प से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम अपने अपर पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी तैयार लेंथ 14 इंच है, तो ये मैं 15 इंच पे इस तरीके से मार्क कर ली हूँ। नेक की मार्किंग मैंने ये 4 इंच पे की हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पर बोट नेक बनाऊँगी और इसकी गहराई भी मैं 4 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ। अब दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ से मैंने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है और इसमें हम अपना जो भी हमारा नेक का शेप है, उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे बोट नेक में बना रही हूँ, तो इस तरीके से उसे ड्रॉ कर लूँगी। आप अपने हिसाब से गले की कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट का पीस है, उसके आर्म होल की पहले हम मार्किंग कर लेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से। इसके बाद इसमें हम अपने आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे बैक का आर्म होल का शेप हो जाएगा और ये जो मैंने अंदर की तरफ लगाया है, वहाँ से हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप हो जाएगा। इसके बाद ऊपर से हम 1/2 इंच अपना शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ से। और अब हम इन सारे मार्क को कट कर लेंगे। सबसे पहले ये जो बाहर बाहर हमने मार्किंग की है, उसे कट करेंगे। अब हम इसमें से एक पीस को अलग कर देंगे, ये हमारा बैक का पीस हो जाएगा। और इसके बाद ये जो हमारा एक पीस है, इसे वापस से फिर से उसी तरीके से फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप है, उसे कट कर लेंगे अच्छी तरीके से बराबर करते हुए। जो ये हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया हुआ है, उसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों की। अब इसको ये रख करके हम अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने अपनी मेन फैब्रिक की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और उसके ऊपर लाइनिंग की फैब्रिक को इस तरीके से रख करके पिन की हेल्प से पहले सिक्योर कर लिया है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। दोनों पीस को मैंने इसी तरीके से पहले पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है, उसे कट कर लिया है दोनों पीस को। तो ये मैंने दोनों पीस को कट कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों को। अब इसके आर्म होल पे और नेक पे मैं स्टिच कर लूँगी, ताकि ये दोनों हमारा हेम हो जाए। दोनों पीस में इसी तरीके से मैं आर्म होल पे और नेक पे पहले स्टिच कर लूँगी। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। तो ये मैंने आर्म होल पे और नेक पे स्टिच कर लिया है और सारे पिन को रिमूव कर दिया है। और अब हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, ताकि हम इसे इजली टर्न कर सकें। तो मैं इसके नेक पे और आर्म होल दोनों में इस तरीके से छोटे छोटे से कट्स लगा लेती हूँ। और इसके बाद इसको इस तरीके से हम टर्न कर लेंगे। तो ये मैंने इसे इस तरीके से टर्न कर लिया है और दूसरे पीस को भी इसी तरीके से हम पहले तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों पीस को पहले तैयार कर लिया है और अब मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरीके से दोनों पीस को रखेंगे और अपने शोल्डर को अटैच करेंगे। तो शोल्डर को अटैच करने के लिए मेरे मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग की फैब्रिक के बीच में शोल्डर के पास जो जगह है, उसमें हम दूसरे पीस को इस तरीके से अंदर की तरफ डालेंगे और फिर इसे पलट लेंगे। शोल्डर अटैच करना मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। बस इसको इस तरीके से टर्न करना है और बिल्कुल से बराबर से करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने दोनों तरफ शोल्डर पे स्टिच लगा ली है और बस अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे सीधी साइड पे। और ये देखेंगे दोनों तरफ से हमारा जो शोल्डर है, कितना फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है।
ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी सिलाई आई है। और अब हम इसके आर्म होल पे और नेक पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। अब हम अपने स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक को इस तरीके से लंबाई में मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है ताकि जब हम इसकी मार्किंग करें तो ईज़िली कर सके और ये बराबर से कट हो। इसके बाद मैं ये 25 इंच पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि मेरी तैयार लेंथ 25 इंच है और उसमें 2 इंच और प्लस करूँगी सीम अलाउंस के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरफ मैंने 27 इंच पे मार्क कर लिया है और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी मैं 27 इंच पे ही मार्क कर लूँगी और दोनों पॉइंट को मैं स्केल की हेल्प से पहले मिला लूँगी। लेंथ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद जो ये मैंने मार्किंग की है यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये मेरे एक पीस की फ्रंट की या बैक की किसी एक पीस की कटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से मुझे एक और पीस कट करना है। तो मैंने ये फैब्रिक को फिर से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है ताकि जो हम मार्किंग करें वो बिल्कुल इक्वल हो, छोटा बड़ा नहीं हो। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे फोल्ड किया था। पहले मैंने इसे इस तरीके से डबल फोल्ड किया है और उसे एक और बार इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे बिल्कुल बराबर से बिछा लेंगे और जैसे पहले मार्क किया था 27 इंच पे उसी तरीके से मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे और ये हमारे फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस मिल जाएगा। अब ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है तो इससे मैं रफ़ल बनाऊंगी अपने आर्म होल पे लगाने के लिए। तो इसको मैं फ़ोल्ड करूंगी और फोल्ड करके पहले मैं मेज़र करके देखूंगी कि ये हमारे पास कितना फैब्रिक है। तो ये मेरे पास 8 इंच जितना फैब्रिक है तो मैं इसको 20 से इस तरीके से फ़ोल्ड करके पहले कट कर लूँगी। अब इसको मैं 20 से भी कट कर लूँगी ताकि हमारे पास 2 पीस में ये स्ट्रिप आ जाए दोनों तरफ आर्म होल के लिए। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है और ये हमारे पास इस तरीके से 2 पट्टियाँ आ गई हैं दोनों तरफ आर्म होल का रफ़ल बनाने के लिए। तो रफ़ल बनाने के लिए सबसे पहले एक तरफ से मैं इसे नीचे की तरफ से पहले हेम करूँगी। तो इसके लिए मैं इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी और दूसरी तरफ से हमें अपना रफ़ल बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर बड़े टाके की स्टिच लगा लूँगी और उसे खींच करके यहाँ पर रफ़ल्स क्रिएट कर लूँगी। तो ये मैंने रफ़ल बना लिया है, इसके नीचे की तरफ मैंने डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच लगा लिया है और ये ऊपर की तरफ मैंने बड़े टाके की स्टिच लगा करके धागे को खींच करके रफ़ल बना लिया है और अब इसे हम अपने आर्म होल पे अटैच करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा मेन पीस है उसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और जो हमने रफ़ल बनाया है उसकी उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और बिल्कुल आर्म होल के किनारे किनारे इसे मैं इस तरीके से जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से रखते हुए हमें पूरे में स्टिच लगा लेना है। तो ये मैंने स्टिच लगा ली है आप देख सकते हैं और अब इसे मैं अंदर की तरफ इस तरीके से टर्न करूँगी, सीधी साइड की तरफ ले आऊँगी और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लूँगी। जो हमने स्टिच की है उसको मैं अंदर की तरफ रखूँगी जिधर हमारा मेन पीस है और दोनों तरफ हमें इसी तरीके से अपने आर्म होल पे रफ़ल को अटैच कर लेना है और टॉप स्टिच लगा लेना है। इसके बाद अब हम अपना स्कर्ट का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये एक पीस को लिया हुआ है, उससे सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। इसमें हम अपना बॉक्स प्लेट बनाने वाले हैं तो यहाँ पे पहले मैं सेंटर मार्क करके एक कट लगा लूँगी। इसके बाद मैंने ये पूरी फैब्रिक को इस तरीके से खोल के बिछा लिया है और ये जो हमने अपना सेंटर मार्क किया था वहाँ से हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे बॉक्स प्लेट के लिए। तो ये मैं 2-2 इंच पर मार्क कर रही हूँ और आप अगर ज़्यादा चौड़ी प्लेट्स बनाना चाहते हैं तो आप 3 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। मैं 2 इंच जितनी चौड़ी प्लेट्स बना रही हूँ इसीलिए मैं इसे 2-2 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ और पूरी फैब्रिक में हमें इसी तरीके से मार्क कर लेना है। जो हमने ये सेंटर मार्क किया है उसकी दूसरी तरफ भी मैं 2-2 इंच पे ही मार्क करूँगी पूरी फैब्रिक में। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हम अपनी प्लेट्स बनाएंगे। तो ये जो हमारा सेंटर का पीस है उसकी बगल वाला जो हमने निशान लगाया है उसे उठा करके जो हमने सेंटर का निशान लगाया है वहाँ पे रखेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ से भी जो हमने निशान लगाया है उसको सेंटर के पास लाएंगे जो हमने सेंटर का कट लगाया है और इसे भी पिन से सिक्योर कर लेंगे और ये हमारी एक प्लीट्स बन करके तैयार हो जाएगी। अब ये जो हमारा ये वाला निशान है इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ जो दूसरा वाला निशान है उसके ऊपर ले आऊँगी और इसे भी पिन से सिक्योर कर लूँगी इस तरीके से। इसके बाद जो ये हमारा एक और मार्क किया हुआ है उसे भी इस तरीके से सेंटर में लाऊँगी और उसे भी पिन से सिक्योर कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं एक बार इधर से एक बार उधर से दोनों तरफ से मैं ये बॉक्स प्लेट बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये मैंने एक मार्क को उठाया और उसे दूसरे मार्क के ऊपर इस तरीके से रखा और उसे पिन से सिक्योर कर लिया। इसके बाद दूसरे मार्क को उठाया उसे भी ये बीच वाले मार्क पे रखा और इसे भी मैंने पिन से
सिक्योर कर लिया। इसी तरीके से हमें पूरे में अपनी बॉक्स प्लेट बना लेनी है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। हमें इस तरीके से मार्क को उठा करके बीच वाले मार्क पे रखना है और उसे पिन से सिक्योर कर लेना है। तो ये हमने सेंटर से एक तरफ की प्लेट्स बना ली है और अब हम दूसरी तरफ की प्लेट्स बनाएंगे। तो उसके लिए ये जो हमारा ये वाला मार्क है, अब इसको हम उठाएंगे यहाँ से, इस तरीके से उठाएंगे और ये जो हमारा इसके बगल वाला मार्क है उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसे भी पिन से सिक्योर कर लेंगे। जैसे मैंने पहले बनाया था सेम उसी तरीके से हम इधर वाली भी प्लेट्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसके बगल वाली प्लेट्स को भी इस तरीके से लाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और फिर से पिन से सिक्योर कर लेंगे। पूरे में हमें इसी तरीके से बॉक्स प्लेट बना लेना है। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट का। इसके बाद मैं बैक में भी इसी तरीके से करूँगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे में प्लीट्स बना ली है और अब हम इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे ताकि ये हमारा जो हमने प्लीट्स बनाया है ख़राब नहीं हो। फ्रंट और बैक दोनों में हमें इसी तरीके से प्लीट्स बना करके उसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमने स्टिच कर लिया है और ये हमारी बॉक्स प्लीट बन करके तैयार हो गई है। फ्रंट और बैक दोनों पीस में मैंने इसी तरीके से इसे तैयार कर लिया है और अब हम इसमें अपनी लाइनिंग की फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने अपनी लाइनिंग की फैब्रिक को भी इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लिया है ताकि जो हम कटिंग करें वो हमारी बिल्कुल इक्वल हो। और अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो जो हमने अपनी मेन फैब्रिक को कट किया था वो 27 इंच पे कट किया था, तो इसको मैं 25 इंच पे कट करूँगी, 2 इंच उससे मैं छोटा रखूँगी। और यहाँ पर मैंने 25 इंच पर निशान लगा लिया है इस तरीके से और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है, ये हमारा एक पीस है। और इसी तरीके से मैं एक और पीस कट कर लूँगी क्योंकि हमें दो पीस चाहिए फ्रंट और बैक के लिए, तो मैं दूसरा पीस भी इसी तरीके से कट कर ले रही हूँ। तो देखिए ये मैंने दो पीस लाइनिंग की फैब्रिक का कट कर लिया है और अब हम इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर गैदर्स बनाएंगे और नीचे की तरफ इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, दोनों पीस में हमें इसी तरीके से करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने लाइनिंग की फैब्रिक में गैदर्स बना लिया है। इसके लिए मैंने ये बड़े टाके की स्टिच लगाई है और अब एक धागे को खींच करके मैंने इस तरीके से इसमें फ्रिल्स बना ली है। अब ये जो हमारा मेन पीस है इसको हम यहाँ पे रख के देखेंगे कि ये जो हमने अपनी लाइनिंग की फैब्रिक को गैदर्स में तैयार किया है वो बराबर है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इक्वल है, थोड़ा भी छोटा बड़ा है तो आप इसे अभी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमें अटैच करना है और नीचे की तरफ मैंने इसे फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसे हम अपनी मेन पीस में अटैच करेंगे। तो उसकी उल्टी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और अब इसके ऊपर हम अपनी लाइनिंग की फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और ये जो हमारा वेस्ट का एरिया है वहाँ से हमें इसे अटैच करना है। तो इसके ऊपर मैं एक कच्ची सिलाई चला लूँगी। दोनों पीस में हमें इसी तरीके से करना है। तो ये मैंने अपने दोनों पीस को, मेन पीस को और लाइनिंग के पीस को इस तरीके से अटैच कर लिया है और ये फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दोनों पीस को मैंने इसी तरीके से पहले तैयार कर लिया है। अब इसको हम अपने अपर पार्ट में अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने अपर पार्ट को इस तरीके से पहले बिछा लिया है, सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर हम अपने स्कर्ट के पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। स्कर्ट के पार्ट की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, दोनों की सीधी साइड एक दूसरे को फेस करती हुई होनी चाहिए और वेस्ट जहाँ पर हमारा वेस्ट का एरिया है वहाँ से इसे हमें अटैच करना है। तो हमें यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों में हमें इसी तरीके से करना है। तो ये मैंने स्टिच लगा ली है और ये हमारा जो स्कर्ट का पार्ट था वो हमारे अपर पार्ट से अटैच हो गया है। फ्रंट और बैक दोनों में मैंने इसी तरीके से सेम तरीके से अपने स्कर्ट के पार्ट को अटैच कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो उसके लिए पहले हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने इस तरीके से ब्लैक कलर के फैब्रिक में ये दो पट्टियाँ कट की हुई हैं जिसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी हुई है और एक पट्टी की लंबाई मैंने 20 इंच रखी हुई है और दूसरे वाली जो हमारी फैब्रिक है उसकी जो लंबाई है वो मैंने 34 इंच रखी हुई है। और अब इसे हम स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैं इसे इस तरीके से बिल्कुल बीच से सेंटर से फोल्ड करूँगी और जैसे मैं मार्क दिखा रही हूँ कॉर्नर से ऐसे मैं ट्रायंगल शेप बनाऊँगी और इसे ऊपर ले जा करके हमें पूरा ऊपर तक स्टिच कर देना है इस तरीके से। तो पहले मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ, दूसरी वाली को भी इसी तरीके से स्टिच करना है, ये आप देखिए इस तरीके से। तो इस पर सिलाई चला लेते हैं और इसे पलट लेंगे जैसे हम अपनी डोरी पलटते हैं। दोनों को हमें इसी तरीके से पहले तैयार कर लेना है। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से इस पर स्टिच लगा लिया है और ये जो हमने यहाँ से ट्रायंगल शेप बनाया था इसे मैंने कट कर लिया है और अब हम इसे पलट लेंगे जैसे कि हम अपनी डोरी को पलटते हैं। दोनों रिबन को हमें इसी तरीके से पलट करके सीधा कर लेना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये मैंने अपने दोनों रिबन को सीधा कर लिया है इस तरीके से।
और अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद इसे हम अपने मिडी में अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने अपनी मिडी को इस तरीके से बिछा लिया है और जो फ्रंट की साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है। इसके बाद ये जो हमारी छोटी वाली बेल्ट है इसको हम यहाँ पे अपनी वेस्ट लाइन पे रखेंगे और पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम अपनी दूसरी वाली बेल्ट लेंगे, ये बड़ी वाली बेल्ट, और इसको भी इसी साइड से हम अटैच करेंगे, लेकिन इसको हम अपने बैक वाले पीस में अटैच करेंगे। इसको मैं अपने बैक साइड वाली पीस में बिल्कुल जो हमने फ्रंट में बेल्ट लगाया है उसके बराबर में ही रखते हुए पहले पिन से सिक्योर कर लूंगी। अब हम अपनी ड्रेस में फिटिंग की स्टिच लगाएंगे, तो उसके लिए पहले मैं इसे इस तरीके से बैक साइड पर टर्न कर लूंगी और ये जो हमने बेल्ट लगाई हुई है इसे मैं अंदर की तरफ डाल दूंगी ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो ये हमारी स्टिचिंग में नहीं आए। और यहाँ से वेस्ट लाइन से मैं इसे बिल्कुल बराबर कर लूँगी। इसके बाद ऊपर से जो हमने ये फ्रिल लगाई हुई है यहाँ से इसे इस तरीके से बराबर करते हुए ऊपर से ले करके यहाँ से स्टिच लगाते हुए वेस्ट लाइन तक लगाऊँगी। यहाँ तक हम पूरी पूरी स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद लाइनिंग की फैब्रिक को हम हटा देंगे और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसकी स्टिचिंग करेंगे नीचे तक पूरी पूरी, और लाइनिंग की फैब्रिक को हम अलग से स्टिच करेंगे। दोनों को अलग अलग करके अब स्टिच करना है। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से करना है। पहले ऊपर से मैं इस तरीके से फ्रिल से पकड़ते हुए वेस्ट लाइन तक तो मैं पूरा एक साथ सारे पीस में स्टिच लगाऊंगी और इसके बाद मैं लाइनिंग की फैब्रिक को एक साथ और मेन फैब्रिक को एक साथ स्टिच करूँगी। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपनी साइड फिटिंग की स्टिच लगा ली है और ये नीचे की तरफ भी इसे डबल फोल्ड करके इसे भी स्टिच कर लिया है। मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो गया है और ये बेल्ट हमारी पीछे से इस तरीके से घूमते हुए आएगी और इसे हम फ्रंट में इस तरीके से टाई अप कर लेंगे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्रॉक कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हुआ है और ये जो हमने इसमें बेल्ट लगाई है इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।